ओके लिख लिया बेटा, चलो स्टार्ट करें एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 8.1, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ओके क्या दिया हुआ है? एबी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बीसी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमें दो चीजें फाइंड करनी है, देखो तो साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले साइन फाइंड करो या कॉस फाइंड करो, दोनों में हाइपोटेनस तो जरूरी है, तो हाइपोटेनस फाइंड करते हैं। तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, चेक करो, बी सी मतलब 7 का स्क्वायर और ए बी मतलब 24 का स्क्वायर। बिना कैलकुलेशन किए जल्दी से आप बता सकते हो कि इसका ए सी का वैल्यू क्या आएगा? 25। 7, 24 एंड 25 पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं, याद आया? चलो सॉल्व करके देखते हैं जिनको नहीं आता। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर जल्दी से बताओ 576। सो ए सी का स्क्वायर होगा 625, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू 25 आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना सबसे पहले देखो तो साइन ए, साइन ए, ए के रिस्पेक्ट में साइन मतलब क्या होगा? अपोजिट। बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी मतलब 7/25। कॉस ए कितना होगा? ए बी अपॉन ए सी दैट इज 24/25। दूसरा हमें फाइंड करना है साइन सी। अब देखो सी के रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में साइन मतलब क्या होगा? अपोजिट ए बी होगा, सी के रिस्पेक्ट की बात चल रही है बेटा, ठीक है। ए बी अपॉन क्या होगा? ए सी। सो ए बी अपॉन ए सी कितना होगा? 24/25। एंड फिर क्या करेंगे, कॉस सी, कॉस सी सी के रिस्पेक्ट में जल्दी से बताओ क्या होगा? बी सी अपॉन ए सी 7/25। ऑल क्लियर, आगे बढ़े। सेकंड क्वेश्चन देखो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, फिगर 8.13 फिगर दिया हुआ है, फाइंड 10p माइनस क्वार्टर। फिगर दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है? 10p माइनस क्वार्टर। अब मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें फाइंड करना है 10p माइनस क्वार्टर। अब सुनना बेटा ध्यान से, 10p मतलब क्या होता है? पी के रिस्पेक्ट में 10, पी के रिस्पेक्ट में 10 मतलब क्या होगा? अपोजिट अपॉन एग्जिसेंट। अपोजिट क्या है इसका? क्यू आर माइनस एग्जिसेंट क्या है? पी क्यू। माइनस क्वार्टर क्या है? क्वार्टर आर के रिस्पेक्ट में कॉट, कॉट मतलब एग्जिसेंट अपॉन अपोजिट, उल्टा एग्जिसेंट इसका क्या होगा? क्यू आर अपॉन अपोजिट क्या होगा? पी क्यू। ये दोनों तो सेम टर्म्स है, क्यू आर बाय पी क्यू माइनस क्यू आर बाय पी क्यू, आंसर इज जीरो, खत्म बात। कुछ था ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं, ठीक है। सो आराम से ध्यान से सॉल्व करिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन चलो, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। थर्ड क्वेश्चन, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, इसको मैं ए मानता हूं और इसको मैं सी मान लेता हूं ए। तो फ्रॉम फिगर जल्दी से बताओ बेटा साइन ए क्या होगा? साइन ए के रिस्पेक्ट में साइन मतलब अपोजिट बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी, डन। अब ये साइन है और ये साइन है, क्या करेंगे? कंपेयरिंग। तो देयरफॉर बी सी बाय ए सी इज इक्वल टू 3/4। अब क्या करेंगे, अदला बदली, 3 आ जाएगा नीचे, तो बी सी बाय 3 इज इक्वल टू ए सी बाय 4। लिखेंगे तो इधर के ही लिखेंगे ना, क्योंकि 3/4 कटोगे तो के ही आंसर आएगा, कुछ भी मतलब वो सिंप्लीफाइड फॉर्मेट के। कंपेयरिंग
बीसी बाय थ्री इज इक्वल टू के और एसी बाय फोर इज इक्वल टू के, याद है? बीसी बाय थ्री को के सेकंड चैप्टर में ऐसे किया था और अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए थे। तो बीसी की वैल्यू क्या निकली? थ्री के, और एसी की वैल्यू क्या निकली? फोर के। तो बीसी की वैल्यू क्या निकली? थ्री के, और एसी की वैल्यू क्या निकली? फोर के। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे पता, पाइथागोरस ट्रिप्लेट यहाँ पे फाइव के लिख के आएंगे। भैया आपके पास दिमाग है मैं मानता हूँ, बट उसका इतना भी ज़्यादा यूज मत करिए कि वो फट जाए। थ्री अगर फोर यहाँ पे होता तो ये फाइव आता, थ्री फोर और फाइव, फाइव मतलब हमेशा बड़ा, मतलब हाइपोटेनस। तो यहाँ पे आप फाइव के नहीं लिख सकते, ये तो हाइपोटेनस नहीं है, समझ रहे हो? तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। सो इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थियरम क्या लिख सकते हो? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की जगह पे क्या लिखोगे? फोर के का होल स्क्वायर। ए बी हमें फाइंड करना है और बी सी की जगह पे क्या लिख सकते हो? थ्री के का होल स्क्वायर। सिक्सटीन के स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस नाइन के स्क्वायर, प्लस नाइन के स्क्वायर इस साइड आ जाएगा तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 में से 9 गया तो 7 के स्क्वायर, स्क्वायर रूट दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा? अंडर रूट 7 के स्क्वायर, तो रूट 7 इंटू के, क्योंकि 7 का कोई रूट नहीं होता है और के स्क्वायर का के हो गया। तो ए बी हमें क्या मिला? रूट 7 के। हमें पहला फाइंड करना है कॉस ए, कॉस ए, ए के रिस्पेक्ट में कॉस मतलब क्या होगा? ए बी बाय ए सी, एडजेसेंट अपॉन, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, रूट 7 के बाय फोर के कैंसल, सो रूट 7 बाय फोर। फिर क्या फाइंड करना है? टेन ए। अब देखो टेन को दो, टेन के दो तरीके हैं, एक तो ये फॉर्मूला भी डाल सकते हो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट या साइन बाय कॉस, क्योंकि साइन भी दिया हुआ है कॉस भी निकला। सो अब दोनों में से जो भी निकाल, मैं फॉर्मूला डालता हूँ, क्या होगा? बी सी अपॉन ए बी। तो अब देखो बी सी क्या है? थ्री के अपॉन ए बी है रूट 7 के, तो आंसर इज 3 बाय रूट 7। सिंपल, क्लियर हो गया? आई होप किसी को डाउट नहीं है, ठीक है? सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, फोर्थ क्वेश्चन, अगेन 2 या 3 मार्क्स के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ आपके सामने क्वेश्चन फोर्थ, 15 cot a इज इक्वल टू 8। अब सबसे पहले बच्चे तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे करना क्या। तो 15 cot a इज इक्वल टू, 15 cot a मतलब 15 इंटू cot a, सो 15 को नीचे लेके जाओ तो देयर फोर cot a कितना हो जाएगा? 8 बाय 15 हो गया ना। अब a दिया हुआ है तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, राइट एंगल एट b, क्योंकि a तो नहीं हो सकता बिकॉज a के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। सो फ्रॉम फिगर चेक करो cot a क्या बना सकते हो? a का क्या होगा जल्दी से बोलो, a का क्या होगा? हाँ, cot a मतलब होगा हाइपोटेनस अपॉन एग्जेसेंट, कितना होगा? ए बी, हाइपोटेनस अपॉन एग्जेसेंट। अब यहाँ पे भी cot a, यहाँ पे भी cot a, cot a हाइपोटेनस नहीं होगा, एग्जेसेंट अपॉन ऑपोजिट होगा, एग्जेसेंट अपॉन ऑपोजिट, सॉरी। हाँ ठीक है, अब कंपेयर करो, कंपेयरिंग, सो क्या होगा? ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू 8 बाय 15, तो इसको हम क्या मान सकते हैं? के। तो देयरफॉर अब कौन सा स्टेप अदला बदली? ए बी बाय 8 इज इक्वल टू बी सी बाय 15 इज इक्वल टू के। तो अब क्या करेंगे? अदला बदली कर दिया ना, उसके बाद कंपेयर करेंगे, ए बी बाय 8 इज इक्वल टू के, बी सी बाय 15 इज इक्वल टू के, therefore AB is equal to 8K and BC is equal to 15K। अब AB हमें क्या मिला? 8K, BC मिला 15K। so in triangle ABC by Pythagoras theorem क्या करेंगे? लगाओ, AC square is equal to AB square plus BC square। AB कितना आया? 8K स्क्वायर, BC कितना आया? 15K स्क्वायर। याद करो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स 8, 15 तो ये आएगा 17। चेक कर लेते बेटा, 8K मतलब 64K स्क्वायर,
15 मतलब 225 के स्क्वायर, आंसर आया 289 के स्क्वायर, क्या ए सी स्क्वायर। तो देयर फॉर ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 289 के स्क्वायर। 289 किसका होता है, 17 का, और के स्क्वायर का के। कितना सिंपल। ओके अब हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है, एक है साइन ए और दूसरा है सेक ए। साइन ए मतलब क्या होगा, अपोजिट बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। बी सी कितना है, बी सी है 15 के और हाइपोटेनस है 17 के कैंसल, सो 15/17। फिर क्या फाइंड करना है, सेक ए। सेक ए मतलब कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा मतलब हाइपोटेनियस, ए सी अपॉन एडजेसेंट ए बी। सो कितना होगा, 17 के अपॉन 8 के कैंसल, सो आंसर आया 17/8। इजी बेटा, किसी को डाउट। ओके चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी बड़ा है सो पहले इतना लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा स्टार्ट करें, ठीक है। देखो है आपके सामने अब क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ थीटा दिया हुआ है, ठीक है। सो इसको मान लेते हैं मैं ए, इसको मैं मान लेता हूँ बी, और इसको मान लेता हूँ सी, और ए को मैं नाम देता हूँ थीटा। याद करो थीटा वाला क्वेश्चन हमने देखा है, ठीक है। सो इसको नाम मैंने दिया थीटा। अब इस फिगर में से हम सेक थीटा कैसे निकाल सकते हैं, सेक थीटा मतलब कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, तो उसका उल्टा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब ए सी, और एग्जेसेंट मतलब क्या होगा, ए बी। क्यों एग्जेसेंट ए बी, बिकॉज थीटा के रिस्पेक्ट में बाजू वाला वो है। ओके ये भी सेक थीटा, ये भी सेक थीटा, देयर फोर क्या बोलेंगे, ए सी बाय ए बी इज इक्वल टू 12/13 इज इक्वल टू क्या होगा, के। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अदला बदली, 12 आ जाएगा नीचे, ए बी चला जाएगा ऊपर, बाय 13 इज इक्वल टू के, डन। तो देयर फोर अब कंपेयर करेंगे, सो चेक करो, ए सी बाय 12 इज इक्वल टू के, तो के ऊपर गया तो ए सी की वैल्यू 12 के, ए बी बाय 13 इज इक्वल टू के, 13 ऊपर गया तो ए बी की वैल्यू 13 के। अब इन ट्राइंगल ए बी सी चेक कर लो, आपके पास ए सी की वैल्यू कितनी निकली, 6 थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाय एग्जिसेंट, 13/12 है क्वेश्चन में, 13/12 है, मेरे से गलती हो गई, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा 12। ओके सो ये होगा 13 के, ये होगा 12 के। बताओ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 5, 12, 13, तो ये 5, 12 और 13, तो ये 5 के ही होना चाहिए। तो इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थियरम्स, पाइथागोरस थियरम लगाएंगे, लगाओ पाइथागोरस थियरम क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी दिया हुआ है 13 के स्क्वायर, बी सी दिया हुआ है, बी सी बी सी बी सी हमें फाइन करना, सॉरी दिया नहीं हुआ है, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी दिया हुआ है, ए बी कितना है 12 के का होल स्क्वायर, 13 मतलब 169 का के स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए कितना होगा, 144 के स्क्वायर। 144 उस साइड लेके जाएंगे तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, तो आंसर आएगा 25 के स्क्वायर। अब स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट, सो अंडर रूट 25 के स्क्वायर, तो बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 है, क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया। तो अभी हमें सबसे पहले क्या फाइन करना है, साइन थीटा। बी सी भी हमें मिल गया, साइन थीटा क्या होता है, थीटा के रिस्पेक्ट में अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, सो बी सी बाय हाइपोटेनियस इज ए सी, सो कितना होगा, 5 के बाय 13 के, के कैंसिल, सो आंसर आएगा 5/13। फिर हमें फाइन करना है कॉस थीटा। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ध्यान से सुनना बेटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, तो देयर फोर इसका मैं रेसिप्रोकल भी हो सकता है ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, एक दूसरे से कॉस ऊपर गया सेक नीचे है, तो यहां से मैं वही फाइंड कर सकता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। देखो यहाँ पे आपके लिए मैंने ये लिखा है,
तो 1 बाय sec थीटा, sec थीटा क्या है आपका 13 बाय 12, सो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा 12 बाय 13। फिर हम फाइंड करेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा मतलब अब मैं फॉर्मूलाज डालूंगा साइन बाय कॉस। आप चाहे तो इधर से भी आप फाइंड कर सकते हो, बट मैं ये फॉर्मूला डालूंगा। साइन क्या है आपका 5 बाय 13, कॉस क्या है 12 बाय 13, 13 13 कैंसल, सो आंसर आया 5 बाय 12। फिर क्या होगा, सेक तो है ही, अब क्या फाइंड करेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा, मतलब रेसिप्रोकल साइन थीटा का, तो उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 13 बाय 5। और फिर लास्ट कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का, सो टेन थीटा का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा बेटा 12 बाय 5। सो ये आपका आंसर्स निकले, ओके पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 देखो, तो इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, दो एक्यूट एंगल्स हैं और कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल होने चाहिए। अब ये क्वेश्चन बहुत सारी रेफरेंस बुक में हमने जो एग्जाम्पल 2 किया उससे सॉल्व करते हैं, और बहुत सारे रेफरेंस बुक में शॉर्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। लेट अस गो फॉर लॉन्ग मेथड ओनली, क्योंकि मान लो ये 3 मार्क में क्वेश्चन आ गया तो जनरली 1 और 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन नहीं आता, सो हम थोड़ा सा लॉन्ग वाला मेथड करते हैं। हमारे पास दो एंगल्स हैं, ठीक है, एक है ए और दूसरा है बी, इसको मैं ए नाम देता हूँ, इसको मैं बी नाम देता हूँ। ये मान लेते हैं मेरा पी क्यू और इसको मान लेते हैं मेरा आर और एस, ठीक है, दो ट्राइंगल हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ध्यान से सुनना बेटा, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो कॉस ए के रिस्पेक्ट में कॉस क्या होगा ए एस बाय ए आर, कॉस बी बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा बी क्यू बाय बी पी, हो गया। अब हमको ये चीज़ पता है कि भैया ये दोनों इक्वल होते हैं, तो इसको मैं के नाम दे दूं, क्योंकि उनका रेशियो कुछ भी हो सकता है, दैट रेशियो कैन बी एनीथिंग, जिसको हम एक्स मानते हैं उसको यहाँ पर के मान लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अदला बदली, तो अदला बदली करेंगे तो बी क्यू आ जाएगा नीचे, तो ये हो गया ए एस बाय बी क्यू, ए आर चला जाएगा ऊपर, ए आर बाय बी पी इज इक्वल टू के। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग, डायरेक्ट कंपेयर कर सकता हूँ बेटा, ए एस बाय बी क्यू इज इक्वल टू के, तो देयर फॉर ए एस की वैल्यू क्या होगी के बी क्यू। बेटा बहुत सारे क्वेश्चन किए इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, वरना नहीं करता। फिर क्या करेंगे, ए आर बाय बी पी इज इक्वल टू के, तो ए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के बी पी, इसको नंबर 1 करके छोड़ दूँ। अब ध्यान से सुनना, इन ट्राइंगल सबसे पहले कौन सा आर एस ए, अप्लाइंग और बाय पाइथागोरस थ्योरम, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमारे पास ए एस ए आर दोनों है, तो आर एस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देयर फोर आर एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा ए आर स्क्वायर माइनस ए एस स्क्वायर, स्क्वायर को दूसरी साइड भेज दूंगा, सो क्या होगा अंडर रूट ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नंबर 1। दूसरा हमारे पास ट्राइंगल कौन सा है, चेक कर लो पी क्यू बी, इन ट्राइंगल पी क्यू बी चेक कर लो, पी क्यू बी में अप्लाई करोगे तो क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम और अप्लाइंग पाइथागोरस दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप, बाय पाइथागोरस थ्योरम चेक करो क्या होगा, पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर, सो पी बी या बी पी मतलब तो सेम ही है, चलो बी पी लिख लेते हैं, ठीक है ओके। तो हमारे पास यहाँ पे देखो बी क्यू और बी पी दोनों है, सो बी क्यू और बी पी दोनों है, तो देयर फॉर यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू मैं क्या निकाल सकता हूँ, बी पी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर, स्क्वायर उस साइड चला जाएगा, तो बी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट बी पी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर, ये हो गया नंबर, ये 1 है ना, तो इसको 2 लेना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा 3। सो क्या करेंगे, डिवाइड
टू एंड थ्री, टू और थ्री को डिवाइड कर लो, डिवाइड करो आर एस बाय पी क्यू, आर एस इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होगा, ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल अपॉन क्या होगा, इधर आ जाएगा पी क्यू और इधर आ जाएगा अंडर रूट बी पी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर, ये क्या होगा आर एस बाय पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट, ए आर की जगह पे मैं क्या लिखूंगा बेटा के बी पी, आंसर क्या आएगा के बी पी का स्क्वायर माइनस एस की जगह पे क्या लिखूंगा के बी क्यू का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आएगा अंडर रूट बी पी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर। सो आर एस बाय पी क्यू, अब देखो ये भी के का स्क्वायर, इसमें भी के का स्क्वायर, तो दोनों में से मैं के का स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ, सो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा बी पी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर होल अपॉन अंडर रूट बी पी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर। तो इसमें से देखो के स्क्वायर मतलब के बाहर चला आया, सो अंदर रूट, रूट में क्या बचा बी पी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर, क्योंकि देख लो के स्क्वायर में से के चला गया तो बी पी स्क्वायर माइनस बी क्यू अपॉन अंडर रूट, नीचे भी क्या बचा बी पी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर, ये पूरा कैंसर। तो देयर फोर आर एस बाय पी क्यू इज इक्वल टू के, तो कहाँ से हम ले सकते हैं फ्रॉम वन, इस के की जगह पे देखो तो बेटा इस के की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ आर एस बाय पी क्यू, तो ए एस बाय बी क्यू इज इक्वल टू ए आर बाय बी पी इज इक्वल टू आर एस बाय पी क्यू। तो जब ये तीनों सेम होते हैं तो क्या बोल सकते हैं ट्राइंगल कौन सा आर एस ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू बी, आर एस ए और पी क्यू बी दोनों सिमिलर हो गए बाय एस एस एस, तो देयर फोर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, सेम टू सेम है ना क्वेश्चन वही, बस जो आप टेक्स्ट बुक में होगा उसी को आप बार बार रिपीट करोगे तो आपको भी मजा आएगा और वही के वही क्वेश्चन होंगे। ओके चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन नंबर सेवन आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, देखो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है सेवन बाई एट, कॉट थीटा इज इक्वल टू सेवन बाई एट है डन। तो आगे देखते हैं कॉट थीटा को डायग्राम तो बना लेना पड़ेगा ट्रायंगल का, इसको मैं थीटा नाम दे दूं, ये आपका ए ये आपका बी और ये आपका सी, हमें क्या फाइंड करना है तो बाजू में देखो फाइंड करना है वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा, और दूसरी चीज़ फाइंड करनी है कॉट स्क्वायर थीटा, वो तो कॉट थीटा तो है ही इसलिए कोई टेंशन नहीं है, बट वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा फाइंड करना पड़ेगा, वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा मतलब साइन थीटा भी फाइंड करना पड़ेगा। तो कॉस थीटा और साइन थीटा फाइंड करने के लिए हम फिगर में से कॉट थीटा की वैल्यू, कॉट जनरली क्या होता है टेन का उल्टा, टेन क्या होता है अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो इसका उल्टा रेसिप्रोकल क्या होगा एडजेसेंट बाय अपोजिट, मतलब ये होगा आपका ए बी अपॉन बी सी, तो देयरफॉर क्या बोल सकता हूँ ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू सेवन बाय एट इज इक्वल टू के, के लिख लो के तो लिखना जरूरी है, बहुत सारे स्टूडेंट के नहीं लिखते हैं अटक जाओगे, बी सी को ऊपर ले दो सेवन को नीचे लेके आओ, तो देयरफॉर ए बी बाय सेवन इज इक्वल टू बी सी बाय एट इज इक्वल टू के, क्या करना है अदला बदली, अब क्या करेंगे कंपेयरिंग, तो क्या होगा ए बी बाय सेवन इज इक्वल टू के, वापिस लिख रहा हूँ ताकि जो बच्चों को पता नहीं चल रहा है कि कंपेयर क्या करना है इसलिए, तो देखो ए बी बाय सेवन वो के इक्वल, तो देयर फॉर ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सेवन के और बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी एट के, तो ए बी की वैल्यू सेवन के बी सी की वैल्यू एट के। ओके तो अब कौन से ट्राइंगल की बात करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय विच थियरम पाइथागोरस, मेरे ख्याल से ये हम पांचवा या छठा क्वेश्चन ऐसा कर रहे हैं सेम टू सेम, कंपेयर करना है वैल्यूज फाइंड करनी है, तो बेटा सिंपल सा लॉजिक है कर लो ना मजा आएगा आपको भी, एक बार जो दिमाग में फिट हो गया करना वही है तो फिर कितना इजीली सारे क्वेश्चन हो रहे हैं समझ रहे हो, और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करनी है, ऐसे नहीं कि एक बार आपने लिख लिया तो खत्म हो गया, प्रैक्टिस इज मस्ट। बाय पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाओ क्या होगा हाइपोटेन्यूस मतलब क्या होगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर हमें फाइंड करना है, ए बी बताओ इसमें कितना है सेवन के स्क्वायर
और बी सी कितना है देख लो, तो 8K का स्क्वायर, तो 7K स्क्वायर कितना होता है, 49K स्क्वायर, और ये होगा 64K स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू 113K स्क्वायर, तो ए सी की वैल्यू अंडर रूट 113 का K स्क्वायर, तो देयर फॉर ए सी की वैल्यू अंडर रूट 113K। सिंपल सोबर सादा लॉजिक। ओके, अब हमें पहली चीज जो फाइंड करनी है वो है ऊपर क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप देख लो तो बेटा, ये आपको कुछ दिख रहा है, ये वन यहाँ पे वन, ये साइन थीटा बीच में प्लस, यहाँ माइनस, मतलब ऊपर है ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे भी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ऊपर क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा क्या निकला, ओके, साइन थीटा और कॉस थीटा हमने निकाला नहीं, बट यहाँ से निकाल सकते हैं ना, ये हमारा क्या निकला, √113 के। साइन थीटा मतलब ऑपोजिट, बी सी बाय ए सी का होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस थीटा मतलब क्या, ए बी बाय ए सी का होल स्क्वायर। 1 माइनस बी सी, बताओ जल्दी से, बी सी कितना है, 8K अपॉन ये √113K का होल स्क्वायर। 1 माइनस 7K अपॉन √113 का K का होल स्क्वायर, के कैंसिल, के कैंसिल। 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन √113 का स्क्वायर 113, क्योंकि रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट चला जाएगा। ओके, ये सिंपल मैथ्स है। नीचे आएगा 1 माइनस 49 बाय 113। अब एलसीएम ले लो, ये 113 माइनस 64 अपॉन 113, 113 माइनस 49 अपॉन 113 कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 49 बाय 64। नंबर टू आपको फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉट थीटा आपके पास ऑलरेडी है, क्या है, 7 बाय 8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों सेम है, आगे ना सेम, ठीक है, पक्का। जब लास्ट एक्सरसाइज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्यों दोनों सेम है, ठीक है, क्योंकि एक फॉर्मूला है। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। चलो स्टार्ट कर बेटा, 8th क्या दिया, 8th क्वेश्चन देखो, तो 3 cot A = 4 आपके सामने आ चुका है, 3 cot A = 4, और हमें क्या फाइंड करना है, चेक करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर = cos² - sin² ये वेरीफाई करना है। तो cot A दिया हुआ है, सो यहां से मैं cot A की वैल्यू, ये 4, ये 3 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इतना क्लियर हो गया। अब चलो कंपेयर करते हैं ए बी और ये सी, तो फ्रॉम फिगर चेक करो बेटा, cot A कितना होगा, cot A = 10 का उल्टा, 10 का रेसिप्रोकल, 10 मतलब क्या होता है, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो ये होगा एडजेसेंट बाय ऑपोजिट, मतलब ए बी बाय बी सी। अब कंपेयर करो, तो देयरफॉर क्या होगा, ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू 4/3 = क्या लिखेंगे, के बी सी गया ऊपर, अदला बदली वाला स्टेप, 4 आ जाएगा नीचे, बी सी बाय 3 = k। कंपेयर करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू 4k। कंपेयरिंग, लास्ट क्वेश्चन मैंने कंपेयर किया था, अब मैं नहीं करूँगा, बी सी बाय 3 = k, तो बी सी की वैल्यू कितनी होगी, 3k। कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास, इन ट्राइंगल ए बी सी विच मेथड, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमारे पास ए बी निकला 4k, हमारे पास बी सी निकला 3k, तो ये 5k ही आएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब 5 आएगा, यहाँ पे 5 आ सकता है, यहाँ पे 5 नहीं आ सकता, बात हो चुकी है हमारी। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की जगह पे हमारा निकला 4k और बी सी की जगह पे निकला 3k।
सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16K² + 9K² सो कितना आएगा बेटा 25K² सो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5K। डायरेक्ट किया मैंने, पता चल गया क्योंकि रूट निकालोगे तो 25 का 5 और के स्क्वायर का k, सो ये हो गया हमारा 5K। अब हमें LHS साइड हमें क्या फाइंड करना है। ओके देखो सबसे पहले 1 - 10² है अपॉन 1 + 10² है, तो 10A cot A और वो सब फाइंड कर ले ताकि पुट करने में इजी हो। तो सबसे पहले 10A बताओ, 10A क्या होता है, cot A का रेसिप्रोकल। जैसे cot 10 का रेसिप्रोकल तो 10 cot का रेसिप्रोकल, वाइस वर्सा होता है। अब cot A आपका 4/3 है तो 10A क्या होगा 3/4। अब फाइंड करते हैं साइन ए, इसमें से देखो साइन ए क्या होगा अपोजिट बी सी बाय हाइपोटेनस ए सी, सो कितना होगा 3K / 5K, आंसर इज 3/5। और उसके बाद हमें चाहिए कॉस ए, कॉस ए क्या होगा ए बी बाय ए सी, सो ए बी क्या है 4K और ए सी है 5K, सो 4/5 हो गया। अब हम एल एच एस साइड फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है 1 - 10² अपॉन 1 + 10² आया ना, तो देखो तो 10A की वैल्यू तो दी हुई है आपके पास, क्या दी हुई है 3/4² अपॉन 1 + 3/4² 3/4² मतलब 9/16, 1 + 3/4² मतलब +9/16। एलसीएम ले लो, ये क्या होगा 16 - 9/16, 16 + 9/16, 16 कैंसिल, आंसर आएगा 7/25, 16 - 9 = 7। अब हम आरएचएस फाइंड कर लेते हैं। आरएचएस क्या दिया हुआ है cos² a - sin² a। अब बताओ बेटा cos² a क्या है 4/5² माइनस sin² a क्या है आपके पास 3/5² तो 4 मतलब 16/25, 3 मतलब 9/25, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर आएगा 7/25। therefore LHS is equal to RHS, मतलब हमारा क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 1 - 10² a अपॉन 1 + 10² a इज इक्वल टू cos² a - sin² a। डन, फॉर्मूला हमारा कंफर्म हो गया। ओके चल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखो, तो बोर्ड पे क्या दिया हुआ है, इन ए ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, क्या दिया हुआ है 10A = 1/√3। सो फ्रॉम फिगर आप क्या निकाल सकते हो 10A निकाल सकते हो अपोजिट बी सी बाय एग्जेसेंट बी ए बी। अब बोलो सर आप यही हमेशा क्यों फाइंड करो, बिकॉज देखो फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है साइन ए कॉस सी माइनस कॉस प्लस कॉस ए साइन सी, मतलब ए और सी के रिस्पेक्ट में साइन और कॉस फाइंड करने, मतलब आपको तीसरी साइड हाइपोटेनस तो चाहिएगा ना, तो उसके लिए यही मेथड है। अब क्या करेंगे देयरफॉर बताओ जल्दी से, बी सी बाय ए बी इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू के, अब करो अदला और बदली, बी सी 1 आ जाएगा नीचे, ए बी √3 आ जाएगा नीचे इज इक्वल टू के, कंपेयर करेंगे तो देखो 1 ऊपर गया तो बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी के, ए बी बाय √3, √3 ऊपर गया तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 के। अब कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास, इन ट्राइंगल ए बी सी, देखो बी सी की वैल्यू आ गई के और ये वैल्यू आ गई √3 के, इसका आंसर क्या आएगा पता है 2 क्या आएगा, देख के नहीं बता रहा हूँ, लॉजिकल बात है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं इसको, तो क्या लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, चेक करो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आएगा आंसर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सो ए सी स्क्वायर ए बी ए बी ए बी ए बी की वैल्यू कितनी आई √3 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू देख लो बेटा कितनी आई के का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3K² के स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 4K² स्क्वायर दूसरा साइड चला जाएगा, देयरफॉर ए सी की वैल्यू √4K²
कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए 2k आ जाएगा। तो AC की वैल्यू आ गई 2k। हमें देखो चार चीज़ें चाहिए। सबसे पहले साइन ए, ठीक है, साइन ए के रिस्पेक्ट में साइन क्या होगा, BC अपॉन AC। BC है k अपॉन AC है 2k, के कैंसिल मतलब हाफ। फिर हमें चाहिएगा कॉस ए, कॉस ए होगा AB अपॉन AC। AB बताओ बेटा कितना है, √3 के, और AC है 2k, के कैंसिल, आंसर आया √3/2। अब हमें सी के रिस्पेक्ट में चाहिएगा साइन सी, साइन सी सी के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट AB अपॉन AC। हाइपोटेनस तो AC ही रहेगा ना बेटा, AC क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज वो हाइपोटेनस है। सो कितना आएगा, √3 के अपॉन कितना आएगा, 2 के, के कैंसल, सो आंसर आएगा √3/2। फिर क्या आएगा, कॉस सी, सी के रिस्पेक्ट में कॉस मतलब क्या होगा, BC/AC। अब BC मेरा क्या है, के, और AC मेरे पास क्या है, 2K, के कैंसिल मतलब कितना होगा, हाफ। अब हमें जो सबसे पहला प्रूफ करना है, देखो तो आपके सामने क्या दिया हुआ है, पहला प्रूफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ओके, साइन ए बताओ हाफ, कॉस सी बताओ हाफ, प्लस कॉस ए बताओ √3/2, साइन सी बताओ √3/2, हाफ इंटू हाफ 1/4, √3 × √3 3, और डिवाइड बाय 2 × 2 4। देखो मल्टीप्लाई इसलिए मल्टीप्लाई होंगे, प्लस होते हैं तो नहीं होता मल्टीप्लाई, 1/4 + 3/4 4/4, आंसर इज 1। अब दूसरी सेम टू सेम वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए √3/2, कॉस सी हाफ, साइन ए हाफ, साइन सी √3/2। ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, हाँ, क्योंकि √3/2 पहले हो या बाद में हो, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई में, दोनों को अगर माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। ओके, क्लियर हुआ बेटा, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, लास्ट दो क्वेश्चन 10th, उसमें आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम्पल जो हमने किया था लास्ट 5 वैसा ही है। क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, ट्राइंगल पी क्यू और आर राइट एंगल एट क्यू। क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, पी क्यू है 5 सेंटीमीटर। ये पी आर प्लस क्यू आर, उसमें भी वही था ना, उसमें माइनस दिया हुआ था, समझ रहे हो, तो देयर फोर पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 में से मैं पी आर की वैल्यू 25 माइनस क्यू आर लिख सकता हूँ। देखो ना, पी आर प्लस क्यू आर 25 है, तो क्यू आर उस साइड गया तो -25, इसको मैं नंबर 1 दे दूँ। इन ट्राइंगल पी क्यू आर चेक कर लो बेटा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय कौन सा थियरम, पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थियरम। पाइथागोरस तो अब तो रटा हो गया होगा आपको, क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर कौन सा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्या होगा, क्यू आर का स्क्वायर। पी आर हमारे पास दिया हुआ है कितना है, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। पी क्यू कितना दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर, और क्यू आर हमको नहीं पता है। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर मतलब 25 का 625 प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, 25 × 2 = 50 qr, 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर और क्यू आर कैंसिल हो गया, ये माइनस 50 qr दूसरे साइड जाएगा तो प्लस 50 qr हो जाएगा, और ये प्लस 25 इस साइड आएगा तो -25, 600 हो जाएगा। तो देयर फोर क्यू आर इज इक्वल टू कितना होगा, 600/50, कैंसिल कर दो तो 12 हो गया, सो क्यू आर की वैल्यू 12 आ गई। सो फ्रॉम वन
पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 12, सो पी आर की वैल्यू 13 हो गया, 13 पाइथागोरस देखो 2 5 12 13 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। सबसे पहले फाइंड करना है साइन पी, पी के रिस्पेक्ट में साइन क्या होगा ऑपोजिट, क्यू आर बाय हाइपोटेनस पी आर, क्यू आर इज 12 हाइपोटेनस इज 13। उसके बाद हमें फाइंड करना है कॉस पी, पी के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट पी क्यू और हाइपोटेनस तो पी आर ही रहेगा, मतलब 5 अपॉन हाइपोटेनस इज 13। और उसके बाद टेन पी, टेन पी एक ही फॉर्मूला मुझे याद रहता है, वो है साइन पी बाय कॉस पी। तो साइन पी क्या दिया हुआ है 12 बाय 13 अपॉन 5 बाय 13, तो देयरफॉर आंसर इज 12 बाय 5। क्यों, बिकॉज 13 13 कैंसिल हो जाएगा ना, 13 13 कैंसिल हो गया। ओके और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, ट्रू और फॉल्स है, शो दैट द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यू ऑफ 10 ए इज ऑलवेज लेस देन 1, फर्स्ट पार्ट ही फॉल्स है। क्यों फॉल्स है उसका मैं रीजन बताता हूं, 10 ए इज इक्वल टू क्या होगा ऑपोजिट बाय एडजेसेंट होगा। अब आप मान लो कि ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है 90 डिग्री। अब ये जो ए है तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑपोजिट हुआ और ये एडजेसेंट हुआ ना। हमने बहुत सारे क्वेश्चन में देखा था कि ऑपोजिट बड़ा होता है एडजेसेंट के कंपैरिजन में, और यहां पे हमने देख लिया ऑपोजिट छोटा है एडजेसेंट के कंपैरिजन में। तो एक्चुअली टेन ए क्या है, ऑपोजिट मतलब न्यूमरेटर एंड एडजेसेंट मतलब डिनोमेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमेटर। तो कभी कभी न्यूमरेटर बड़ा भी होता है, कभी कभी डिनोमेटर भी बड़ा होता है, सो इट इज फॉल्स। क्लियर हो गया पक्का। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, sec a इज इक्वल टू 12 बाय 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। हाँ sec a ये ट्रू है, क्यों ट्रू है उसका मैं रीजन बताता हूं, sec a की वैल्यू 12 बाय 5। अब sec क्या है आपका, sec इज इक्वल टू एक्चुअली हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट, और आपको पता है हाइपोटेनस हमेशा साइड से बड़ा होता है, ये देख लो हाइपोटेनस हमेशा साइड से बड़ा ही होगा, सो ये ट्रू है। ठीक है ट्रू है, ठीक है। थर्ड कॉस ए इज द एब्रीवेशन ऑफ कोसेकेंट ए, फॉल्स। कॉस ए किसका एब्रीवेशन है, कोसाइन का, ठीक है ना, कोसेकेंट ए का एब्रीवेशन क्या है, कोसेक, सो ये गलती मत करना। फोर्थ कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, फोर्थ फॉल्स है। मैंने पहले ही समझा दिया था कॉट ए इज इक्वल टू कॉट ऑफ एंगल ए, कॉट इंटू ए नहीं होता। एंड फिफ्थ एंड लास्ट मोस्ट आई एम पी, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, ये फॉल्स है। क्यों पता है बेटा, साइन थीटा हमेशा क्या होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस, एंड ऑपोजिट इज ऑलवेज लेस देन हाइपोटेनियस। ऑपोजिट हाइपोटेनियस से तो छोटी ही होगी, इसका मतलब क्या हुआ, न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर, और जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो देयरफॉर साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। आ गया समझ में, तो वो 1 से तो बड़ा नहीं हो सकता, यहां पे देखो न्यूमरेटर बड़ा है तो ये गलत हो गया ना। ओके सो ये सारे बेसिक टाइप के क्वेश्चंस है। यहां पे हम आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर खत्म करते हैं चैप्टर 8 का। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका हो, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सारे फॉर्मूलाज आप वापस रिवाइज करें ना, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये फॉर्मूलाज वापस हम देखेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे और उसकी वैल्यूज फाइंड करना सीखेंगे। साइन 30 क्या होता है, साइन 45, साइन 60, साइन 90, साइन 0, वैसे ही कॉस के लिए, वैसे ही टेन के लिए, वैसे ही सेक कॉसेक और कॉट के लिए, सब के लिए। नेक्स्ट लेक्चर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, बट अगर ये आपको फॉर्मूलाज याद रहेंगे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वापस एक बार वापस रिवाइज करने के बाद ही सेकंड लेक्चर पे जाइएगा, ताकि आपको भी पढ़ने में मजा आए। क्लियर हो गया। और जिनको ये फॉर्मूला याद नहीं रहे, वो एक चार्ट पेपर बना के घर पे चिपका दो आपके रूम के सामने, हफ्ता 10 दिन देखो फिर निकाल देना, ताकि आपको दिमाग में वो फिट हो जाए। ओके सो टेक केयर एंड स्टडी वेल बेटा।